आरएसडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 1 अप्रैल और 1 अप्रैल का आपके जितना भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स बनता है उसको लेकर आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस क्लास के जो अंत में है ना, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उनके आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं, इसलिए पूरी क्लास को ध्यान से देखें, ठीक है। आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आपका आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है आपके जो जयपुर है, जयपुर के चौंप गांव में बन रहे विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का नामकरण किया गया है, तो किसके नाम पे किया गया है वो, जो मतलब ये आपके जो चौंप गांव में, जयपुर के चौंप गांव में जो विश्व का जो तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, जो उसका नामकरण किया गया है, उसका नामकरण किया गया है आपके अनिल अग्रवाल के नाम पे, अनिल अग्रवाल स्टेडियम जयपुर, ठीक है, जयपुर। और अगर अगर हम विश्व के पहले सबसे बड़े स्टेडियम की बात करें तो है आपके मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम बदल के आपके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, ठीक है। और अगर हम सेकंड की बात करें, विश्व के सेकंड सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम, तो वह है मेलबोर्न के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये चौंप तो हो गए आपके विश्व का तीसरा और इंडिया का हो गया दूसरा, क्योंकि पहला है आपके मोटेरा स्टेडियम और दूसरा है आपके जय चौंप गांव में ना, जिसका नाम बदलकर अनिल अग्रवाल स्टेडियम कर दिया गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके जो प्रदेश में सूचना का अधिकार है, प्रदेश में सूचना का अधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किस जिले में सूचना आयोग की बेंच स्थापित होगी, तो यह होगी आपके जोधपुर के अंदर, ठीक है, ये होगी आपके जोधपुर के अंदर। जो आपके जो वर्तमान समय में राज्य सूचना आयुक्त है तो वह है आपके डीबी गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता, ठीक है। जो वर्तमान में आपके राज्य सूचना आयुक्त का नाम है डीबी गुप्ता या देवेंद्र भूषण गुप्ता, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जो हाल ही में चर्चा में रहे मुकेश चौधरी, हाल ही में चर्चा में रहे मुकेश चौधरी का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध है फुटबॉल से, ठीक है। जो अभी जो हाल ही में जो जयपुर में आयोजित हुई है फुटबॉल लीग, उसमें इन्होंने सबसे अधिक गोल किए हैं मुकेश चौधरी ने, ठीक है, इनका संबंध है फुटबॉल से। और अगर हम इनके ज़िले की बात करें तो इनका संबंध है सिरोही ज़िले से, ठीक है, इनका मुकेश चौधरी का संबंध है सिरोही ज़िले से और ये फुटबॉल खेल के खिलाड़ी है, ठीक है। ये हो गया आपके तीसरे नंबर का क्वेश्चन। और यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह है आपके जो राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी, तो यह है आपके बीकानेर के अंदर, ठीक है। जो आपके राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी है यह है आपके बीकानेर के अंदर, ठीक है, ने वर्ष 2022-23 के लिए अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की है, उनमें से सत्य कथन बताइए, तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। जो आपके सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार ये मिला है आपके मधु आचार्य को, ठीक है, ये भी आपके राइट आंसर है। तो इनको जो ये जो आपके मधु आचार्य है, इनको जो सूर्य मिश्रण शिखर पुरस्कार दिया गया है, ये इनको दिया गया है इनकी पुस्तक के, तो उसको लेकर हम नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपके जो शिवचंद भरतिया गद्य पुरस्कार ये दिया गया है कमल रंगा को। और जो आपके मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्यकार साहित्य पुरस्कार है ये दिया गया है डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को, इनको तो आप जानते ही होंगे कि जो आपके अलवर है यहाँ के बहुत प्रतिष्ठित लेखक है और यह है आपके अलवर के कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, यह आपके अलवर के कलेक्टर है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी ऑप्शन डी, ठीक है। और यदि इसी को लेकर हम चर्चा करें तो जो आपकी जो मधु आचार्य है इनको जो ये पुरस्कार दिया गया है ना सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार, तो इनको इनकी पुस्तक पेड़ आड़ी आल बांध इसके लिए इनको पुरस्कार दिया गया है मधु आचार्य को, ठीक है। जो आपके शिवचंद भरतिया गद्य पुरस्कार है ये दिया गया आपके कमल रंगा को, जो हमने पिछले अभी बात की थी ना, इनको इनकी पुस्तक आलोचना रे आबे सोलह कलावा, ठीक है, इस पुस्तक के लिए इनको शिवचंद भरतिया गद्य पुरस्कार दिया गया है। जो आपके जितेंद्र कुमार सोनी है इनको पुरस्कार दिया गया है इनकी रचना भरकमा के लिए,
यह है इनकी पुस्तक है। ये बहुत ही अच्छे लेखक है और बहुत ही मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति है जो अलवर के कलेक्टर है वर्तमान समय में, ठीक है। जो आपके गणेशी लाल व्यास उस्ताद पद्म पुरस्कार है, ये दिया गया आपके ओम नागर को। इनकी जो पुस्तक है बापू एक कवि की चितार के लिए, ठीक है। ये जो आपके चारों पॉइंट है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप चाहे इसको स्टार लगा लो क्योंकि ये मतलब परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके जो राजस्थान सरकार द्वारा 30 मार्च, ठीक है, जो अभी आपके जो 30 मार्च निकली है उसको जो राजस्थान दिवस मनाया गया था, तो ये राजस्थान दिवस किस रूप में मनाया गया है? ये मनाया गया आपके लाभार्थी उत्सव के रूप में, लाभार्थी उत्सव के रूप में 30 मार्च, ठीक है। और जो आपके ये थे आपके आज के क्वेश्चन, तो कल की क्लास का हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो सौर ऊर्जा से संचालित प्रदेश की पहली सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपके बिछियावाड़ा डूंगरपुर। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? इसमें मिला है आपको तीसरा स्थान। भारत सरकार के पशुपालन विभाग की ओर से जारी वार्षिक रिपोर्ट बुनियाद पशुपालन संख्या की 2022 के अनुसार किन पशुधन उत्पादों में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है? तो यह है आपके ऊन और दूध। बरेली उत्तर प्रदेश में 45वीं जूनियर बालिका राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने कौन सा पदक जिताया? ये जिताया उत्तर प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से कांस्य पदक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन स्वतंत्रता सेनानियों के पेनोरमा निर्माण के लिए 4-4 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की? ये की गई है आपके पन्नाधय का पेनोरमा, पांडोली चित्तौड़गढ़ और अमराजी भक्त अनगढ़ बाबूजी के नाम से जानाता है, ठीक है। इनका पेनोरमा चित्तौड़गढ़ और केसरी सिंह बारट का पेनोरमा शाहपुरा भिलवाड़ा। इसका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। प्रदेश में 21 साल बाद जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किस जिले में किया है? ये किया गया आपके बांसवाड़ा के अंदर, जो मतलब 21 साल पहले किया गया था ये 2002 में, कहाँ पर? भीलवाड़ा के अंदर। भारतीय वुशु संघ की ओर से आयोजित 6वीं फेडरेशन कप पुरुष महिला वुशु प्रतियोगिता में कौन सा राज्य चैंपियन बनाए? ये बनाए अपना राजस्थान। ये थी अपनी कल की क्लास का रिवीजन। तो आपके लिए आज जो क्वेश्चन है वो है जो उदयपुर के जो राघव शर्मा है, उदयपुर के राघव शर्मा और स्मृति झा ने मिलकर देश का पहला कौन सा ऑन डिमांड टूरिस्ट गाइड बुकिंग ऐप तैयार किया है? इसका आंसर देना आपको आज की क्लास के कमेंट बॉक्स में। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके जो राजस्थान संस्कृत अकादमी है, ये आपके जयपुर के अंदर है, के द्वारा अखिल भारतीय महाक पुरस्कार किसे देने की घोषणा हुई है? इसका भी राइट आंसर आपको आज की क्लास के कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आपकी आज की क्लास। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।